क्या नाम है आपका? मैं सी ए कृष्णचंद चतुर्वेदी हूँ, मथुरा से आया हूँ। और मैं आपकी बात सुन रहा था, सबकी बात सुन रहा था। बेसिक समस्या ये है कि जो गंगा जमुना का स्रोत है उसका कितना परसेंटेज पानी, जो ओरिजिन पानी है, वो हम दे सकते हैं धार को। अब धार जो है हमारी, ये पक्की तो है नहीं, ये पूरा कच्चा इलाका है, तो उसके लिए एक हमको प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। अगर हमको प्योरिटी चाहिए, हम प्यूरीफाई करके वाटर देते हैं, वो दूसरी चीज़ है कि हम जो अपने नालों को या उनको टिप करते हैं, उनको प्यूरीफाई करते हैं, वो वाटर और चीज़ है। लेकिन जो ओरिजिनलिटी है, जो प्योरिटी है, उसका अगर संरक्षण करना है तो सबसे पहले हमको इस स्ट्रीम को कंटेन करना पड़ेगा, और दोनों तरह से करना पड़ेगा। जैसे कि हम इंग्लैंड में कहते हैं कि जो नदी है वो पक्की है, स्टेम नदी, इसी तरह से हमको, आप देखें हरिद्वार में देखे थे हर की पैड़ी पे, इस तरह से अगर जो प्योरिटी अगर मेंटेन करनी है कम पानी में, क्योंकि आज ये संभव नहीं है कि इस पूरी धार में गंगा का हम पूरा पानी या जमुना का पूरा पानी छोड़ सकें, क्योंकि करीब करीब 80-85% पानी कंज्यूम हो जाता है पीने के लिए और इरीगेशन के लिए, और वो ज़रूरी भी है। इस युग में हम ये नहीं कह सकते हैं कि आप पानी ज़्यादा छोड़िए, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा छोड़ेंगे तो हमारी एग्रीकल्चर का क्या होगा, ये जनाधार खाएगा कहाँ से। तो बात सही है कि इनकी प्योरिटी हो, लेकिन क्या वो प्योरिटी पीने लायक हो पाएगी? क्या जो हमारा यूरिन का पानी है, हमारा सीवेज का पानी है, क्या हम उसको प्योर करके पियेंगे? हम क्या कहना चाहते हैं? तो हमें इसके लिए, ये बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे यहाँ भी विषधर दल करके है मथुरा में, क्योंकि यमुना भी गंगा से ही जुड़ी हुई है। अगर गंगा शुद्ध होनी है तो यमुना को भी शुद्ध करना ही पड़ेगा। तो विश्व धर्म रक्षक दल करके है, उसका मैं सेक्रेटरी रहा। और दुर्भाग्य ये है कि हम बड़ी बात करते हैं, हथनी कुंड से मथुरा 250 किलोमीटर है, और 250 किलोमीटर में अगर पक्की कैनाल बनाई जाए जिस तरह से हरिद्वार की कैनाल है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो 1000 करोड़ की भी बैठेगी, या तो 50,000 करोड़ की और 1,00,000 करोड़ रुपये खर्च हो जाते हैं, कुछ नहीं होता है। तो एक ऐसी पक्की कैनाल बनाई जाए, उसमें एक मेंटेनेबल क्यूसिक और लेवल रहे उसका, वो पानी उसमें चलता रहे, तो उससे न केवल हम गंगा जमुना को अस्तित्व दे पाएंगे, न केवल हम गंगा जमुना को अस्तित्व दे पाएंगे, बल्कि वो पानी पीने की सप्लाई के लिए भी हम आगे ले जा सकते हैं उसके द्वारा, क्योंकि वो बिल्कुल प्योरिटी होगी उसमें। और ये नाले वगैरह के जो पानी इसमें आ रहे हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि ये योजना, क्योंकि ये बढ़ते ही जाएंगे। आज हम देखें गांवों में, देखें गांवों में पहले कुंड थे, तालाब थे, वो हमारे यूज में आते थे, हम लोग जाते थे तालाब पे, हमारी बहन बेटी जाती थी, वहीं सब काम करती थी। आज हमारे घर में सबमर्सिबल लगा हुआ है, हम बटन दबाते हैं, भर भर पानी आएगा, वो पानी कहाँ जाएगा? वो पानी उस तालाब में जाएगा। उस तालाब की अब नेसेसिटी हमको पानी लेने के लिए नहीं है, अपितु अपने गाँव का जो हमारा जो बेस्ट पानी है उसको कहीं ना कहीं पहुँचाने के लिए हो रहा है। तो आज नदियाँ हुई, ये हुए, इतना पानी का हमारा कंजम्पशन बढ़ रहा है। ओरिजिनलिटी मेंटेन अगर करना चाहते हैं तो उसको एक लिमिट बनानी पड़ेगी उसकी। आप ये समझें कि 500 मीटर चौड़े फांट में और आप 100 क्यूसिक पानी छोड़ दें तो रेती पी जाएगी, वो किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चलेगा, वो रन ही नहीं कर पाएगा। तो यहाँ, और इसको नहीं करना चाहते हैं, मुझे रिजाइन देना पड़ा। मैं आपको बताऊं, मैंने इसी मुद्दे पर रिजाइन दे दिया। मैंने कहा भैया हमको सबसे पहले ये दो, हमको तो 50 मीटर चौड़ी पक्की कैनाल चाहिए और उसमें प्योर पानी यमुना जी का आना चाहिए। तो बोले यार तुम तो हमारी योजना में पलीता लगा रहे हो, तुम नहीं, इसी योजना को तुम करते रहो, खाते रहो, पीते रहो, लहर करते रहो, हम उससे अलग हो गए। तो भाई साहब मुद्दा बस यही है कि क्या हम ये पानी रिसाइकिल करके उसको प्योर पी सकते हैं? कौन पिएगा बताओ आप? अगर रिसाइकिल करके पानी दिया जाए किसी को सीवेज का, कोई पिएगा? मुझे कोई एक बंदा बताया कि भाई मुझे रिसाइकिल करके यूरिन दो आप, मैं पीऊँगा? कौन पिएगा इसको? क्यों कर रहे हो ऐसा? भाई नाले रहेंगे, नालों को नाला रहने दो, लेकिन नालों को दूर करो और स्वच्छ पानी को। अभी क्या हो रहा है कि हमारा जो 100-200-500 क्यूसिक जो पानी अच्छा आता है वो भी इस नाले में जाता है, बिल्कुल नहीं जाएगा, वो भी आपके एंड यूज में पीने के काम आएगा। तो इसको, और छोटी योजना है, बड़ी योजना नहीं है। तो आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि ये मैसेज गवर्नमेंट में जाए कि भैया थोड़ा करो लेकिन पक्का करो और बढ़िया करो। और मैं समझता हूँ ये 1 साल की योजना है भाई साहब, गंगा जमुना की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी गंगा बहुत बड़ी स्वच्छ हो जाएगी, लेकिन ये समझता हूँ कि 100 मीटर चौड़ी या 50 मीटर चौड़ी या 200 मीटर चौड़ी गंगा यमुना शुद्ध हो सकती है, और बगैर किसी को परेशान किए हुए, बगैर किसी फैक्ट्री को बंद किए हुए, किसी कारखाने को बिगाड़े हुए, किसी के रोजगार को छीने हुए, ये काम हो सकता है। खबरों में भी आ गया है पहले आओ पहले पाओ ऑफर।
दी लल्लन टॉप ऐप एंड्रॉइड पर है ना, तो न्यूज़ का ख्याल करो, सबसे पहले इंस्टॉल करो।